हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं फ्लोरिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो AFO के एग्जाम, DHO, JRF, SRF, TO, SO के इंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, सुभाषिनी, क्या कह रहा प्रश्न? सुभाषिनी किस पौधे की संकर किस्म है? क्या कह रहा प्रश्न? सुभाषिनी जो किस्म है वह किस पौधे की, किस फसल की, किस पौधे की संकर किस्म है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चमेली, ऑप्शन नंबर बी गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी रजनीगंधा, ऑप्शन नंबर डी गुलाब। क्या कह रहा है? सुभाषिनी जो किस्म है, सुभाषिनी जो किस्म है वह किस पौधे की किस्म है, किस पौधे की किस्म है? सही आंसर होगा संभव, सुभाषिनी जो किस्म है वह किस पौधे की किस्म है? ऑप्शन नंबर सी रजनीगंधा की किस्म है। किसकी किस्म है? रजनीगंधा की किस्म है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुलाब में काट छाट किस महीने में की जाती है? क्या कह रहे हैं? गुलाब में कटिंग की जाती है जो किस महीने में, किस मंथ में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अप्रैल मई में, ऑप्शन नंबर बी मई जून के मंथ में, ऑप्शन नंबर सी जून जुलाई के मंथ में की जाती है, ऑप्शन नंबर डी सितंबर के अंत में और अक्टूबर के प्रारंभ में। क्या कह रहा है? गुलाब में जो कटाई की जाती है वह किस महीने में, कटिंग की जाती है गुलाब के पौधों में जो कटिंग की जाती है वह किस महीने में, किस मंथ में किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस महीने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सितंबर के अंत में और अक्टूबर के प्रारंभ में किया जाता है। किसके सितंबर के अंत में किया जाता है और अक्टूबर के प्रारंभ में यह कार्य किया जाता है। क्या? गुलाब में जो कटिंग की जाती है किस मंथ में, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। अगला प्रश्न है, गेंदा में परासरण की सबसे अच्छी विधि, क्या ग्रामर प्रश्न? गेंदा में जो है परासरण की सबसे अच्छी विधि है, कौन सी विधि जो गेंदा में परासरण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बीज, ऑप्शन नंबर बी ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी तना कटिंग, ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड लेयरिंग। क्या कह रहा है प्रश्न? गेंदा में जो है परासरण की सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बीज, ऑप्शन नंबर बी ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी तना कटिंग, ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड लेयरिंग। सही आंसर होगा संभव, गेंदा की फसल को जो है फसल को अगर परासरण की विधि कौन सी होनी चाहिए, सही आंसर उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बीज द्वारा। गेंदा के पौधों के जो है परासरण की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? बीज की विधि द्वारा सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, किसके? गेंदा के पौधे के लिए। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी, क्या कह रहा प्रश्न? सूरजमुखी पौधे में किस तरह के फूल उत्पन्न होते हैं? क्या कह रहा है? सूरजमुखी के पौधे में जो है किस तरह के फूल उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नीले, ऑप्शन नंबर बी सफेद, ऑप्शन नंबर सी पीले, ऑप्शन नंबर डी लाल व कुछ पीले। क्या कह रहा है? लाल और कुछ पीले दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न? सूरजमुखी के पौधे में जो है किस तरह के फूल उत्पन्न होते हैं? सही आंसर होगा संभव, किस तरह के फूल उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर सी पीले फूल उत्पन्न होते हैं। किस तरह के फूल उत्पन्न होते हैं? पीले फूल उत्पन्न होते हैं। सूरजमुखी पौधे में जो है किस प्रकार के फूल उत्पन्न होते हैं? पीले रंग के फूल उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, टोपीरी, क्या कह रहा प्रश्न? टोपीरी बनाने के लिए एक आदर्श पौधा है, क्या कह रहा प्रश्न? टोपीरी बनाने के लिए जो एक आदर्श पौधा है, कौन ऐसा पौधा जो टोपीरी बनाने के लिए एक आदर्श पौधा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लेरोडेंड्रोन इनेरम। टोपीरी बनाने के लिए एक आदर्श पौधा कौन सा है? सही आंसर संभव ए
स्क्लेरोडेंड्रोन इनेरम जो है पौधा टोपीरी बनाने के लिए एक आदर्श पौधा माना जाता है। सही आंसर संभव ए। अगला प्रश्न है, आरोही लता में पौधरोपण समयावधि है, क्या कह रहा प्रश्न, आरोही लता या क्लाइंबर में पौधरोपण समयावधि है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है गर्मी की ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी बरसात की ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी शीत की ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी वसंत की ऋतु में। क्या कह रहा है, आरोही लता या क्लाइंबर में पौधरोपण की समयावधि होती है, क्या होती है इसका समयावधि पौधरोपण की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बरसात के मौसम। कौन सा मौसम होता है समयावधि, बरसात का मौसम जो होता है वह आरोही लता एवं क्लाइंबर के लिए पौधरोपण की एक उपयुक्त विधि मानी जाती, उपयुक्त समयावधि मानी जाती है। कौन सा मौसम, बरसात का ऋतु। अगला प्रश्न, निम्न घासों में से, क्या कह रहा है, निम्न घासों में से कौन सी घास हरियाली जिसे लॉन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से घास की कौन सी घास है जो हरियाली या फिर लॉन के लिए सर्वोत्तम विधि माने सर्वोत्तम घास मानी जाती है, कौन सी घास है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी साइनोन साइनोन डेक्स्ट्रा लॉन। सही आंसर संभव सी साइनोन डेक्स्ट्रा लॉन जो है यह घास किसके लिए हरियाली अर्थात लॉन बनाने के लिए यह सबसे उपयुक्त घास मानी जाती है, साइनोन डेक्स्ट्रा लॉन। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न है, गमले वाले पौधे में, क्या अगला प्रश्न, गमले वाले पौधे में लगने वाली कौन सी एक भयंकर बीमारी है, क्या कह रहा प्रश्न, गमले वाले पौधे में जो है लगने वाली कौन सी एक भयंकर बीमारी है, कौन सी भयंकर बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ब्रोटाइट्स। ब्रोटाइट्स जो बीमारी है वह गमले वाले पौधे में लगने वाली एक भयंकर बीमारी मानी जाती है, कौन सी बीमारी, ब्रोटाइट्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरियाली लॉन में, क्या कह रहा है, हरियाली या फिर लॉन में पीलापन किस व्याधि का कारण है, क्या कह रहा है, हरियाली या फिर लॉन में जो है पीलापन किस व्याधि का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लॉन में पानी की अधिकता होना, ऑप्शन नंबर बी कवक का प्रकोप, ऑप्शन नंबर सी कीटों का प्रकोप, ऑप्शन नंबर डी जीवाणुओं द्वारा क्षति। सही आंसर होगा संभव ए, ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक मात्रा में लॉन में पानी की अधिकता होना, अधिक मात्रा में पानी का होना ही क्या कहलाता है, हरियाली, और हरियाली लॉन में जो पीलापन होता है किसकी वजह से होता है, हरियाली या फिर लॉन में जो है जो पीलापन होता है किसकी वजह से होता है, अत्यधिक मात्रा में पानी की उपस्थिति होने से यह पीलापन हो जाता है। अगला प्रश्न, हरियाली में फेरी रिंग बीमारी का कारण, क्या कह रहा है, हरियाली में जो है फेरी रिंग का बीमारी का कारण क्या होगा। सही आंसर होगा समय फेरी रिंग बीमारी का कारण क्या है, कवक, ऑप्शन नंबर सी हरियाली में जो है फेरी रिंग बीमारी का कारण क्या होता है, कवक होता है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न है, लॉन लगाने के लिए कोरियन घास जब उपयुक्त मानी जाती है, जब आप के पास लगा हो, क्या कह रहा प्रश्न, लॉन लगाने के लिए कोरियन घास जो है, लॉन लगाने के लिए कोरियन घास जब उपयुक्त मानी जाती है, जब आपके पास लगा हो, क्या लगा हो, होम गार्डन, क्या लगा हो, होम गार्डन लगा हो तो यह कोरियन घास उपयुक्त मानी जाती है उस समय, किस समय, जब आपके पास होम गार्डन लगा हो तब। अगला प्रश्न, डेफोडिल है एक, क्या कह रहा प्रश्न, डेफोडिल जो है एक क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रॉस पौधा है, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबर पौधा है, ऑप्शन नंबर सी कंद पौधा है,
ऑप्शन नंबर डी राइजोम पौधा है। क्या कह रहा है? डेफोडिल है। क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर डेफोडिल क्या है? ऑप्शन नंबर सी कंद पौधा है। डेफोडिल क्या है? कंद पौधा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लीली में पत्तियों का मुरझाना किसकी अधिकता का कारण है? क्या कह रहा है? लीली में जो है पत्तियों का मुरझाना किसकी अधिकता का कारण है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन की अधिकता कारण, ऑप्शन नंबर बी पोटास की अधिकता कारण, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन की अधिकता कारण, ऑप्शन नंबर डी सल्फर की अधिकता के कारण। क्या कह रहा है? लीली में जो पत्तियों का मुरझाना किसकी अधिकता के कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर किसकी अधिकता कारण होता है? फ्लोरीन की अधिकता कारण होता है। या लीली की पत्तियों का मुरझाना जो है किसकी अधिकता कारण होता है? फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न है, जैस्मिन शब्द है एक, क्या कह रहा है? जैस्मिन शब्द जो है एक, क्या है? सही आंसर होगा संभव अरेबियन। क्या है? जैस्मिन शब्द जो है अरेबियन शब्द है। जैस्मिन जो शब्द है वह कैसा शब्द है? अरेबियन शब्द है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झाड़ीदार पौधा बोनसाई के लिए उपयुक्त है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन सा पौधा है जो झाड़ीदार पौधा बोनसाई के लिए उपयुक्त माना जाता है? दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा पौधा है जो बोनसाई के प्लांट के लिए, बोनसाई पौधों के लिए जो है सबसे उपयुक्त विधि उपयुक्त पौधा माना जाता है? सही आंसर होगा संभव सी बोगेनविलिया स्पीसीज। बोगेनविलिया स्पीसीज के जो पौधे होते हैं वह बोनसाई बोनसाई के पौधों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कौन से? बोगेनविलिया स्पीसीज के पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार, क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से जो है किस धातु का तार बोनसाई बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन किस धातु का जो तार होता है वह बोनसाई बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी ताबा, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक का तार, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। सही आंसर होगा संभव, क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन नंबर बी, ताबा का तार का प्रयोग करते हैं किसके लिए? बोनसाई बनाने के लिए जो है ताबे के तार का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है, बोनसाई पौधों के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त मानी जाती है? क्या कह रहा है? बोनसाई पौधों के लिए जो कौन सी क्रिया उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रूनिंग, ऑप्शन नंबर सी समय पर सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। क्या कह रहा है प्रश्न? बोनसाई पौधों के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त मानी जाती है? सही आंसर कौन सी क्रिया उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्रियाएं उपयुक्त मानी जाती हैं बोनसाई पौधों के लिए। रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और समय पर सिंचाई, ये सभी क्रियाएं जो है उपयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न, जापानीज भाषा में फूलों को सजाने की व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? क्या कह रहा है? जापानी भाषा में जो है फूलों को सजाने की व्यवस्था जो होती है किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इकेबाना। इकेबाना के नाम से जानी जाती है। क्या फूलों को सजाने की जो क्रिया होती है वह किसके नाम से जानी जाती है? इकेबाना के नाम से जानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से, क्या निम्न में से दिए गए विकल्प में से भी निम्न में से कौन सा लैंडस्केपिंग का मूल तत्व नहीं है? क्या कह रहा है? लैंडस्केपिंग का जो है मूल तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी स्वभाव, ऑप्शन नंबर सी आकृति रंग, ऑप्शन नंबर डी रिदम या ताल। सही आंसर होगा संभव दिए गए विकल्प में से कौन सा लैंड स्पीकिंग का मूल तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर डी रिदम या ताल जो है
स्पीकिंग का मूल तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा लैंड स्पीकिंग का मूल तत्व है? क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा लैंड स्पीकिंग जो स्पीकिंग का मूल तत्व है? सही आंसर होगा संभव बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। प्रकृति जो है लैंड स्पीकिंग का मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन, क्या कह रहा है प्रश्न, मुगल गार्डन किसकी प्रतिकृति है? क्या कह रहा है, मुगल गार्डन जो है किसकी प्रतिकृति है? ऑप्शन नंबर ए होगा इटालियन स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी जापानीज स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी पार्सियन स्टाइल। मुगल गार्डन जो होता है वह किसका प्रतिकृति है? सही आंसर नंबर डी पार्सियन स्टाइल। अगला प्रश्न है, डहेलिया का वनस्पतिक नाम क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न, डहेलिया का जो है वनस्पतिक नाम क्या है? सही आंसर होगा संभव सी डहेलिया वेरिया बिलिस। डहेलिया वेरिया बिलिस जो है डहेलिया का वनस्पतिक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जरबेरा पौधा का कुल है? क्या कह रहा है, जरबेरा पौधा का जो है कुल है, किस कुल का पौधा है जरबेरा पौधा जो है, किस कुल का पौधा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर एस्टेरेसी, ऑप्शन नंबर ए एस्टेरेसी कुल का पौधा है। जरबेरा जो पौधा है वह किस कुल का पौधा है? एस्टेरेसी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक नरबद्धता किस फसल में संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? क्या कह रहा है, आनुवंशिक नरबद्धता जो है किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चाइना एस्टर, ऑप्शन नंबर बी केंदा, ऑप्शन नंबर सी डहेलिया, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइडिया। क्या कह रहा है, आनुवंशिक नरबद्धता जो है किस फसल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गेंदा के पौधों से। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन फिनोमिना में काम आने वाले रसायन कौन से हैं? क्या कह रहा है, उत्परिवर्तन फिनोमिना में जो काम आने वाले रसायन कौन से हैं? सही आंसर होगा संभव डी, ये सभी रसायन जो है उत्परिवर्तन फिनोमिना में काम आने वाले रसायन हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रजनक विधि अंगीकृत पौधों में सफलतापूर्वक की जा सकती है? क्या कह रहा है, कौन सी प्रजनक विधि जो अंगीकृत पौधों में जो सफलतापूर्वक की जा सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है यह ऐसी प्रजनक विधि है जो अंगीकृत पौधों में सफलतापूर्वक की जा सकती है, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न, लिम्बनेक किस पौधे का विकार है? क्या कह रहा है, लिम्बनेक जो है किस पौधे का विकार है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्लेडियोलस, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी ट्यूलिप, ऑप्शन नंबर डी कार्नेशन। क्या कह रहा है, लिम्बनेक जो है किस पौधे का विकार है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूलिप। ट्यूलिप का यह विकार है, लिम्बनेक जो है किस पौधे का विकार है? ट्यूलिप का। अगला प्रश्न, क्विलिंग ऑफ फॉरेस्ट किस पौधे की शारीरिक विकार है? क्या कह रहा है, क्विलिंग ऑफ फॉरेस्टर्स किस पौधे की शारीरिक विकार है? ऑप्शन नंबर ए गुलदावदी, ऑप्शन नंबर सी बी कार्नेशन, ऑप्शन नंबर सी डहेलिया, ऑप्शन नंबर डी ट्यूलिप। सही आंसर होगा संभव ए, ऑप्शन नंबर ए गुलदावदी का विकार है। यह जो शारीरिक विकार है किसका विकार है? गुलदावदी का विकार है। अगला प्रश्न है, लाल गुलमोहर का वनस्पतिक नाम क्या है? क्या लाल गुलमोहर का वनस्पतिक नाम क्या है? सही आंसर होगा संभव ए, ऑप्शन नंबर ए डेलोनिक्स रेजिया। किसका? लाल गुलमोहर का वनस्पतिक विकार क्या? डेलोनिक्स रेजिया। डेलोनिक्स रेजिया जो है लाल गुलमोहर का वनस्पति विकार है। अगला प्रश्न है,
एजे डायरेक्टा इंडिका किस कुल का ब्रिज है, नीम जो है किस कुल का ब्रिज है? आसन नंबर ए मिलिएसी, आसन नंबर बी सोलेनेसी, आसन नंबर सी मालवेसी, आसन नंबर डी सेपिडेसी। किस कुल का पौधा है, क्या कह रहा है, नीम जो है किस एजे डायरेक्टा इंडिका जो पौधा है वह किस कुल का पौधा है, किस कुल का वृक्ष है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिलिएसी, किस कुल का वृक्ष है, मिलिएसी कुल का वृक्ष है। अगला प्रश्न, सबरी को रोपित करते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, सबरी को जो है रोपित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेड़ों के नीचे, ऑप्शन नंबर बी पेड़ों के बीच में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम दिशा के किनारे पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। क्या कह रहा है, सबरी को रोपित करते हैं, किस स्थान पर रोपित करते हैं सबरी को? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पेड़ों के बीच में रोपित करते हैं, सबरी को जो है पेड़ों के बीच में रोपित करते हैं। अगला प्रश्न, गुलाब में, क्या कह रहा है प्रश्न, गुलाब में डाईबैक को नियंत्रित करते हैं, गुलाब के वृक्षों में जो है गुलाब के पौधों में डाईबैक रोग को जो है नियंत्रित करते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चौबटिया पेस्ट, किस पेस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? चौबटिया पेस्ट के द्वारा जो है डाईबैक को, गुलाब में डाईबैक को नियंत्रित किया जाता है। चौबटिया पेस्ट में क्या है, चार भाग क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है और चार भाग रेडलेट होता है और 50% भाग जो होता है अलसी का तेल होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चौबटिया पेस्ट द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है डाईबैक को, गुलाब में डाईबैक के नियंत्रण के लिए चौबटिया पेस्ट का प्रयोग करते हैं।